सुरजेवाला जी, क्या नजर आ रहा है सोनीपत लोकसभा के अंदर? 2019 भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े अंतर से हार गए थे चुनाव जी। 2019 का विधानसभा चुनाव हुड्डा का करिश्मा चला, 6 विधायक आ गए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत गई, सतपाल ब्रह्मचारी जीत गए जी। विधानसभा में क्या समझे? अगली विधानसभा की बात करें तो जुलाना जी, विनेश फोगाट जी बहुत चर्चा में है जी। सुरेंद्र लाठर वहां पर कैंडिडेट है इंडियन नेशनल लोकदल से जी, IRS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त है जी। और बीजेपी से है कैप्टन योगेश बैरागी जी। योगेश बैरागी का पलवल से कनेक्शन है जी। जाट दो नेताओं के बीच में बीजेपी ने OBC चेहरे को बीच में लाया। अगली विधानसभा की बात करें, सोनीपत जिले की आखिरी विधानसभा गोहाना जी, जगवीर मलिक यहां से विधायक लगातार चले आ रहे हैं जी। जगवीर मलिक को फिर टिकट दिया है कांग्रेस ने जी। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो सांसद का चुनाव हार के आ गए, वो बीजेपी से कैंडिडेट है। 3-4 कैंडिडेट और भी हैं जी। पर कांटे की टक्कर वाले नहीं, टक्कर तो हो गई क्योंकि भी सोनीपत में भाजपा का पहले से अच्छा प्रभाव रहा है उस क्षेत्र में। बिल्कुल, तो उसको ये तो नहीं हम भुला सकते कि भाई मुकाबला नहीं है, मुकाबला कांटे का ही रहेगा। तीसरी विधानसभा की बात करते हैं, तीसरी विधानसभा है राई जी। पंडित जी विधायक निवर्तमान मोहनलाल बड़ौली जी, त्याग कर दिया उन्होंने चुनाव लड़ा। त्याग किस बात का था? त्याग तो जब होता है कोई चीज़ मेरे पास और मैं उसको। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा चुनाव में हम आपको हरियाणा की विधानसभा सीटों की स्थिति बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, क्योंकि हमने इसको 10 जोन में बांटा हुआ है, हर एक लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा की सीटें हैं। मैं आपसे 4 लोकसभा सीटों की यानी कि 36 विधानसभा सीटों की बात कर चुका हूँ। जिन लोकसभा सीटों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसके अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ है, उसके अंदर गुरुग्राम है, उसके अंदर हिसार है और उसके अंदर रोहतक है। आज आपसे मैं चर्चा करूंगा लोकसभा सीट सोनीपत, जिसके अंदर 9 विधानसभा हैं। जो 9 विधानसभा हैं वो सोनीपत है, गन्नौर, जींद, जुलाना, सफीदो, राई, खरखोदा, बड़ौदा और गोहाना। इन 9 विधानसभा सीटों पर माहौल क्या है, अगर मैं आपको बता दूं तो 2019 के चुनाव के अंदर सोनीपत में कांग्रेस के कैंडिडेट विधायक थे, राई में मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के कैंडिडेट विधायक थे, जींद में बीजेपी के विधायक थे, जुलाना में JJP के विधायक थे, सफीदो कांग्रेस के विधायक थे, खरखोदा के अंदर कांग्रेस के विधायक थे, बड़ौदा कांग्रेस के विधायक थे, गोहाना कांग्रेस के विधायक थे, यानी कि 6 विधायक कांग्रेस के थे और 3 विधायक इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के थे। अब 2024 में क्या, 2024 का रण कैसा है, 2024 में क्या कह सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास असर माना जाता है सोनीपत लोकसभा के अंदर। सोनीपत, रोहतक, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाते हैं। कैसा माहौल है सोनीपत का, क्या हो सकता है, इसको लेकर चर्चा में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। नमस्कार सुरजेवाला जी, नमस्कार, आपका स्वागत है देश रोजाना पर जी। पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ राजनीति की बड़ी गहरी समझ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरजेवाला जी, क्या नजर आ रहा है सोनीपत लोकसभा के अंदर? 2019 भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े अंतर से हार गए थे चुनाव जी। 2019 का विधानसभा चुनाव हुड्डा का करिश्मा चला, 6 विधायक आ गए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत गई, सतपाल ब्रह्मचारी जीत गए जी। विधानसभा में क्या समझे? देखिए, ये पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं सोनीपत, रोहतक और झज्जर, यहाँ पे हुड्डा साहब का काफ़ी प्रभाव असर है। असल में क्या है कि इस इलाके के लोगों में एक पॉलिटिकली बड़ी अवेकन है जी। सर छोटू राम के समय से जिस क्षेत्र में कोई बड़ा नेता होता है जी, वहाँ राजनीति घर घर में चली जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल आपकी। तो तब से इन लोगों में राजनीति का चस्का और समझ काफ़ी अरसे से है। और फिर जो रणबीर सिंह वहाँ 2 बार सांसद रहे, पंजाब में मंत्री रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, फिर भूपेंद्र हुड्डा जी खुद 4 बार सांसद रहे, 3 बार देवीलाल जी को हराया, फिर 4 बार से इनके पुत्र हैं,
तो इस इलाके में काफ़ी हुड्डा साहब का जो है ना मान सम्मान है इनको। ये बात ठीक है कि 2019 के चुनाव में दीपेंद्र ने रोहतक से चुनाव लड़ा, लूज कर गए, लूज किया कोसली की वजह से, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने सोनीपत से चुनाव लड़ा, लूज कर वो भी बड़े अंतर से चुनाव हार गए। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए तो रोहतक में 7 सीटें मिली और सोनीपत में 6 मिली, 6 मिली, तो काफ़ी इन्होंने रिकवरी की जी, अच्छी रिकवरी की, अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट था। हाँ, अब उसके बाद 2024 में दीपेंद्र ने रोहतक से रिकॉर्ड काफ़ी रिकॉर्ड बढ़त, हरियाणा का रिकॉर्ड, हाँ काफ़ी अच्छी बढ़त जी। और उधर सोनीपत से भी जो इनके प्रत्याशी थे वो बाहर से हरिद्वार में रहते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनको ला करके चुनाव लड़वाया, नए थे वैसे, वो सफेदों से बिलोंग करते हैं लेकिन बहुत अरसा से वो हरिद्वार में रहते हैं, उनको ला करके चुनाव लड़वाया और उनको चुनाव जितवाया जी। तो अब इनका क्षेत्र पे प्रभाव माना जाता है, और इस वक्त एक आम चर्चा है कि एंटी इनक्यूमेंसी सरकार के विरुद्ध जी, जो उसके चलते लोगों में ये है कि भी इनसे छुटकारा और नए दूसरों को मौका दिया जाए दोबारा से, तो उस बात को देखते हुए अगर हम बात करें क्षेत्र वाइज, क्षेत्र वाइज आते हैं, इसके अंदर 3 विधानसभा सीट जींद जिले के हैं जी हाँ, और 6 विधानसभा सीट सोनीपत की हैं। पहले बात कर लेते हैं सोनीपत जिले की, जो विधानसभा सीटें हैं जी, प्रॉपर सोनीपत जी हाँ। सुरेंद्र पवार यहाँ से विधायक थे, निवर्तमान विधायक हैं जी, बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया निखिल मदान को और कांग्रेस से कैंडिडेट सुरेंद्र पवार हैं जी। सुरेंद्र पवार के लिए आज सबसे जो महत्वपूर्ण खबर ये है कि वो जो उनको ईडी की गिरफ्त में थे 3 महीने से जी, हाईकोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर दिया, बिल्कुल गिरफ्तारी को अवैध बता दिया जी, और आज सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आ गए जी। क्या लगता है क्या चुनाव होगा सोनीपत का? सोनीपत के अंदर जो है निखिल जो है मेयर थे, कांग्रेस मेयर थे और कांग्रेस से थे जी, थोड़ा समय अरसा पहले बीजेपी में गए, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, लोकसभा चुनाव के बाद जी जी। और सुरेंद्र पवार जो है निवर्तमान जो है ना विधायक है, और जो आपने कहा उनके खिलाफ जो केस, तो इससे वहाँ के चुनाव पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है जी। अभी तक तो लोग यही कहते थे भी कांटे की टक्कर है, और उंगली भी उठ रही थी क्या वो दागी है कांग्रेस का प्रत्याशी, उनके खिलाफ तो केस दर्ज है, FIR है, जेल अंदर है, तो उनके माहौल उनके खिलाफ जो है ना थोड़ा बहुत बना हुआ था, बना हुआ था। लेकिन अब जैसे ये घटना घटी इससे तो एकदम लोगों के मन में एकदम से ये हुआ कि भाई इस तरह की जोर जबरदस्ती जी, ये तो जो कहा जाता है कोर्ट का ये कहना कि अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, केस बनता ही नहीं, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। देखिए जनता के अंदर एक है ना कि भाई सरकार ईडी लगा देती है और इनकम टैक्स की छापे पड़ जाते हैं और विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, तो उस कड़ी में ये था कि भी जातियां हैं जी, और जातियां किस कभी भी हो और किसी की तरफ से हो लोग उसको पसंद नहीं करते जी, तो ये तो सरासर जाति का जो एक नमूना हमारे सामने है। तो मतलब सुरेंद्र पवार को जो बहुत बड़ा इससे मिलना फायदा होगा, बहुत बड़ा। क्या मान के चलें चुनाव, क्या लगता है आपको सुरेंद्र पवार का चुनाव है या निखिल मदान का चुनाव है? देखिए अभी तक तो ये लग रहा था कि निखिल जो है ना वो आगे थे, वो बीजेपी सीट को निकाल लेगी, लेकिन अब इस घटना के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि सुरेंद्र पवार वो पीछे नहीं है। आज इस घटना से लगता है कि शायद वो अपनी सीट को बरकरार रखे, कांटे की टक्कर वाले नहीं, टक्कर तो हो गई चूंकि भी सोनीपत में भाजपा का पहले से अच्छा प्रभाव रहा है उस क्षेत्र में, बिल्कुल, तो उसको ये तो नहीं हम भुला सकते कि भाई मुकाबला नहीं है, मुकाबला कांटे का ही रहेगा। अपर हैंड किसको दें? आज के दिन तो ऐसा लगता है कि बाजी पलट गई है जी, सुरेंद्र पवार को जाता हुआ इसका लाभ मिल रहा है। चलिए तो सोनीपत में मान के चले कि सुरेंद्र पवार को जेल से बाहर आने का दोहरा फायदा, बिल्कुल, एक तो कलंक दाग धुल गया और दूसरा चुनाव में आप फायदा कह रहे हैं। जाति कलंक नहीं था, दाग नहीं था, कलंक तो था, जेल जाए कलंक क्यों होता है? नहीं, दाग तो जब हो ना, जब कोई दोषी हो जाए, हो दोषी हो जाए तो अगर तो धक्के का उनके साथ जाति थी, तो सुरेंद्र पवार को दोनों फायदे, जेल से बाहर भी आ गए और आप कह रहे हैं चुनाव भी उनका ऊपर जाएगा,
यानी कि अपर हैंड सुरेंद्र पवार को दें, चुनाव उठेगा इससे। अगली विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा है गन्नौर जी, सोनीपत जिले की ही। गन्नौर से जो टिकट बीजेपी ने दिया है वो देवेंद्र कौशिक है, रमेश कौशिक सांसद थे उनके भाई जी। रमेश कौशिक अपने बेटे के लिए चाहते थे वैसे तो जी, जो उनके जज साहब जो बेटे जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी जी, लेकिन टिकट मिला देवेंद्र कौशिक को। और इधर है उनके सामने बीजेपी कांग्रेस से कुलदीप शर्मा जी। एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है देवेंद्र कादियान जी। देवेंद्र कादियान ने आरोप लगाया था 100 करोड़ रुपए की टिकट बीजेपी की जी। क्या लग रहा है आपको गन्नौर के अंदर क्या हो सकता है? देखिए गन्नौर में ऐसा है कि वहाँ पे कुलदीप शर्मा जी ने पहले भी चुनाव लड़ा और इस बार इन्होंने प्रत्याशी बदल दिया, रमेश कौशिक को टिकट पार्लियामेंट में नहीं दिया जी, उनके खिलाफ एक सीडी जारी हुई जी और उन पे आरोप लगे और उनको इस तरह माना गया कि तो उनका टिकट कटा काट दिया गया जी। अब भाजपा ने क्या सोच के उनको या उनके परिवार को टिकट दे करके क्या सोच के उनको लगाया है तो, और देवेंद्र कादियान जो है वो काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं जी और भाजपा से वो टिकट चाहते थे जी, तो उनको टिकट ना मिलके उनका इनकारी हुई, अब वो मैदान में खुद उतर चुके हैं। होटल लाइन के आदमी हैं उनके, होटल वगैरह चलते हैं शायद उनके, हाँ होटल है वगैरह है उनका, ये व्यवसाय है उनका, तो वो मैदान में है इस वक्त और वो अच्छा प्रभाव उनका इस वक्त चल रहा है। तो क्या मान के चले गन्नौर का चुनाव को तिकोणिया मुकाबला कहते हैं जी, लेकिन कुछ बात ये भी सामने आती है कि देवेंद्र कादियान का अपर हैंड है, मतलब इन तिकोणिया माना माने तिकोणिया मुकाबला समझे हाँ जी, और एस जो है वो देवेंद्र कादियान को यानी कि इंडिपेंडेंट नंबर दो पे कांग्रेस के साथ, यानी कि कांग्रेस और देवेंद्र कादियान का मुकाबला ज्यादा नजदीक का मुकाबला तीनों में एस देवेंद्र कादियान को। तीसरी विधानसभा की बात करते हैं, तीसरी विधानसभा है राई जी। पंडित जी विधायक निवर्तमान मोहनलाल बडौली जी त्याग कर दिया उन्होंने चुनाव लड़ा। त्याग किस बात का था? त्याग तो जब होता है कोई चीज मेरे पास और मैं उसको त्याग करूं, छोड़ एमएलए थे ही आजकल नहीं, एमएलए थे, चुनाव लड़ा उन्होंने पार्लियामेंट का, वो हार गए हाँ। और त्याग नहीं था, उनको तो ऑफर किया गया था, मैं तो ये कहूंगा वो भाग खड़े हुए, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, उन्होंने मना कर दिया, पार्टी तो उनको लड़ाना चाह रही थी वो लड़े नहीं, वो उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं तो उनकी जगह टिकट दे अब दिया। अगर बात कहें कि जी वो तो पार्टी के प्रधान थे और पार्टी का प्रधान तो चुनाव नहीं लड़ते, कांग्रेस पार्टी के उदय भान जी प्रधान हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि प्रधान चुनाव, इससे पहले चुनाव थे सुभाष बराला 2019 में चुनाव लड़े थे, उससे पहले रामविलास शर्मा जी थे चुनाव लड़े थे, कृष्णपाल जी थे वो चुनाव लड़े थे, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब आप कह रहे हो मैदान छोड़ के भाग गए। क्या जेपी नड्डा ने चुनाव नहीं लड़ा? जेपी नड्डा चुनाव लड़ा तो फिर ये तो कोई है नहीं कि भाई पार्टी प्रधान, जेपी नड्डा ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा भाई, वो सांसद बने मंत्री बने, ठीक बात है, या पार्टी का ही काम देख रहे हैं, पर अगर ये सरकार में आप ये कह रहे हो कोई त्याग नहीं है उनका, ना कोई त्याग नहीं है ये तो बल्कि, चलिए मोहनलाल बडौली जी ने अपनी जगह, मोहनलाल बडौली ने नहीं पार्टी ने कृष्णा गहलावत को मैदान में उतारा है जी। उनके सामने कांग्रेस से है जय भगवान अंतिल जी, कैंडिडेट तो और भी है पर लगभग आमने सामने के फाइट आमने सामने का है वहाँ। देखिए कृष्णा गहलोत वहाँ से पहले भी विधायक रही हैं और व्यवसायी हैं, व्यवसायी हैं, बड़ा अच्छा कारोबार है, हाँ बहुत अच्छा, इंडिया बुल के नाम से और काफ़ी इनका अच्छा रहा है, मजबूत हैं और पीछे मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन भी रही हैं जी और मुकाबला सख्त है वहाँ पे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सोनीपत लोकसभा में या इस एरिया में जाटलैंड में कुछ हुड्डा साहब को दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, क्या वो कुछ ऐसा है कि कैंडिडेट ज्यादा थे? अच्छा। जैसे राय की बात आपने की, वहाँ पे जयतीरथ एमएलए होते थे हाँ, पार्टी रिजक राम के सुपुत्र, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सॉरी रिजक राम का बहुत बड़ा नाम नाम रहा है, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल जी, ज्वाइंट पंजाब में आईपीएम भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, स्टेट में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी रहे जी, बार बार बहुत बड़ा नाम था चौधरी साहब का और दो बार ये विधायक भी रहे जयतीरथ,
अब इनका टिकट नहीं मिला तो वो भी पार्टी छोड़ गए हैं, तो नाराजगी और इस तरह की बातें तो आती हैं। जो आपने कहा ना हुड्डा साहब को कुछ कठिनाई तो आती है अपने आदमी जब साथ छोड़ते हैं, तो क्या आशाएं ज्यादा है लोगों को, आशाएं ज्यादा, उम्मीदें जब ज्यादा होती है और निराशा मिलती है तो फिर सब चलता है, तो चलता है। बाकी उनको प्रभाव है, जैसा कि मैंने कहा ये पूरा क्षेत्र हुड्डा साहब का, तो वो उसका प्रभाव का निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो यहाँ किसको माने, कांटे की फाइट आप बता रहे हैं, कांटे की फाइट है और अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब का जो प्रभाव है वो कांग्रेस के नैया को पार ले जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि हुड्डा साहब लास्ट में जोर ज्यादा मारेंगे और अपने कैंडिडेट्स के लिए और फायदा कर जाएंगे। चल है कि हुड्डा साहब का ये सबसे बड़ा उनकी वो होगा एक ताकत जी, इस इलाके से जितने उनके विधायक उनका चुने जाएंगे वही उनकी एक ताकत है जो उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी तक जाएगी, लेके जाएगी। तो राय को मान लें कि कांटे की फाइट है, फाइट कांटे की है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि अल्टीमेटली ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी कांग्रेस को जी। तो जय भगवान अंतिल, यहाँ पर अब फिर भी आप कह रहे हैं कि वो आगे रहेंगे जी। अगले विधानसभा सीट खरखोदा जी, जयवीर वाल्मीकि वर्सेस पवन खरखोदा जी। जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस से हैं, निवर्तमान एमएलए हैं और पवन खरखोदा को टिकट दिया बीजेपी ने जी। रिजर्व सीट है जी, क्या लगता है चुनाव का? खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि जो है ना दो बार पहले विधायक रह चुके जी, तीसरी बार वो फिर अपनी किस्मत आजमा रहे चुनाव मैदान में है, चुनाव मैदान में है। शुरू में लगता था कि जो दो तीन बार कोई विधायक बन जाता है तो दूसरे पार्टी के लोग ये समझते कि हमारा मौका नहीं मिल रहा, तो थोड़ी कानाफूसी होती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे इनका चुनाव बेहतरी की तरफ जा रहा है और वही फैक्टर सोनीपत और रोहतक वो सीट को निकाल लेंगे। मतलब आप समझते हैं कि जयवीर वाल्मीकि बिल्कुल ये सीट निकले, जयवीर वाल्मीकि अपर हैंड है जी, सीट निकाल सकते हैं, सीट निकाल। अगले विधानसभा की बात करते हैं बड़ौदा जी, इंदुराज नरवाल उपचुनाव जीते थे, आजकल भी एमएलए निवर्तमान एमएलए हैं जी जी। कपूर नरवाल आए थे उस उपचुनाव के दौरान कांग्रेस में जी, टिकट उनको कांग्रेस ने अब नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं जी। प्रदीप सिंह सांगवान किशन सिंह सांगवान के बेटे हैं जो यहाँ के तीन बार सांसद रहे बीजेपी के, हरियाणा में मंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार के अंदर भी चौधरी देवीलाल सरकार में जी। इस समय प्रदीप सांगवान बीजेपी कैंडिडेट हैं जी। इंदिराज भालू, कपूर नरवाल या प्रदीप सांगवान, क्या समझें चुनाव कैसा लग रहा है? देखिए वहाँ का चुनाव तिकोना हो चुका है। हाँ जी, कपूर नरवाल का वहाँ इलाके में जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं उनका अच्छा खासा प्रभाव, डॉक्टर कपूर नरवाल है आरएमपी डॉक्टर कहे हाँ, जाते हैं, उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है जी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, कभी वो भाजपा के साथ चले खड़े हो गए, कभी वो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, कभी वो इनेलो की तरफ झांकने लग, यहाँ चला मैं वहाँ चला, जाने तो किधर और कहाँ चला। अब ये स्वार्थवश कहिए या मैं ही हूँ, तो ये कुछ बातें अटपटी सी है। तो लोग कहते हैं कि भी वो अच्छा फाइट में है और तिकोना मुकाबला में है, लेकिन कई चीजें जो है उनके विरोध में जाती हैं। अब इंदिराज को पीछे, वैसे भी जो लोग जल्दी जल्दी पार्टी बदलते हैं उनको पसंद भी कम किया जाता है, नहीं वो फर्क पड़ता है ना, मैंने कहा तो अगर पार्टी की टिकट होती तो ये निश्चित तौर पर काफी अच्छा इनका रहता। अब चूंकि पार्टी की टिकट नहीं है इनके पास और मुकाबला चूंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का है, दूसरी तरफ जो भालू है वो दीपेंद्र हुड्डा की टीम के मेंबर है, नए है और अच्छा बीजेपी ने यहाँ पर कवर किया, इनके योगेश्वर दत्त कैंडिडेट होते थे उनको हटा करके प्रदीप सांगवान को लेके आए, अब की बार अंदर खाने से वो भी नाराज है। तो ये तो चलता है दोनों पार्टियों में होता है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो निराश होता है, नाराज होता है। तो क्या माने तिकोनिया मुकाबला? मुकाबला तिकोनिया है, रहेगा और ये नहीं झुठला नहीं सकते आप, इग्नोर नहीं कर सकते कपूर सिंह को भी, वो भी अच्छी वोट ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सीट जाएगी। मतलब मुकाबला किस में माने, इंद्रराज नरवाल और कपूर नरवाल या इंद्रराज नरवाल और प्रदीप सांगवान? मैं तो इसको कांग्रेस और बीजेपी के साथ, कांग्रेस बीजेपी मुकाबला मानते हैं, कपूर नरवाल आप कहते हैं लास्ट में पीछे चले जाएंगे जी, और आप एज अपर हैंड कांग्रेस को देते हैं इसके अंदर। अगली विधानसभा की बात करें, सोनीपत जिले की आखिरी विधानसभा गोहाना जी, जगवीर मलिक यहाँ से विधायक लगातार चले आ रहे हैं जी, जगवीर मलिक को फिर टिकट दिया है कांग्रेस ने जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा
जी, जो सांसद का चुनाव हार के आ गए वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तीन चार कैंडिडेट और भी हैं जी, राजवीर दहिया भी हैं, एक पुलिस अधिकारी थे वो रिटायर्ड हैं, वो भी हैं जी। गोहाना का क्या मान के चले हैं सर? गोहाना एक क्षेत्र पॉलिटिकली बड़ा अवेकेंट इलाका माना जाता है। कवि चौधरी देवीलाल ने भी सोनीपत से, यहाँ पर आज प्रधानमंत्री मोदी थे, यहाँ आज प्रधानमंत्री भी वहाँ है, बताते हैं 60,000 लगभग यहाँ पर बीसी वोटर भी है ना, जरूर है। गोहाना में सैनी चुनाव लड़ते रहे, रामकुमार सैनी चुनाव लड़े, राजकुमार सैनी लड़ते रहे, लेकिन वहां से कभी सैनी जीते नहीं ना, कभी नहीं। कुरुक्षेत्र या महेंद्रगढ़ से सैनी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं अक्सर, कुरुक्षेत्र से ज्यादा बार। लेकिन गोहाना जो है वो काफी पॉलिटिकली अवेकेंट है इलाका, और वहां पे जयवीर जी माथुराम की जलेबी बड़ी मशहूर है। हाँ नहीं, जलेबी मशहूर है, वहाँ की राजनीति भी मशहूर है, राजनीति मशहूर है वहाँ की। तो वहाँ पे जो है अरविंद शर्मा जी, उनके बारे में भी ये है कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो है वो हमारी वो शिवसेना पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा, काफ़ी पैसे का बोलबाला, और वो चंद्रा स्वामी के साथ जीत गए चुनाव। हाँ, चंद्रा स्वामी के साथ उनके तालमेल उस वक्त उनके कन्वेंसिंग पे आए, फिर वो करनाल चले गए, जीत गए, सोनीपत आ गए, फिर रोहतक आ गए, अब रोहतक से उधर चले गए। भाई देखिए, इस तरह की चुनाव में अदला बदली और उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। गोहाना में उनका क्या लोगों में ये मैसेज? बीएसपी के जब सीएम कैंडिडेट बन गए थे 2014 में जी, तो गोहाना चुनाव लड़े तब भी वो एमएलए का दो सीटों पर लड़े थे, हार गए थे दोनों जगह। तो वही है ना कि इस तरह से बार बार क्षेत्र बदलना, चुनाव अलग वहाँ से चले जाना, तो इस बात को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। क्या मान के चलें? नहीं है, क्या मान के चलें गोहाना में? तो ये तो अरविंद शर्मा के विरोध में जा रही है ये 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 सिर्फ यही वजह, बाकी वैसे क्या माहौल है? बाकी कांग्रेस का माहौल है, जगवीर मलिक की हैट्रिक, हैट्रिक तो पहले हो चुकी है, तीन बार बन चुके मैंने, हाँ, यानी कि चौथी बार बन सकते हैं। अगली बार के लिए आप कहिएगा। तो अरविंद शर्मा मुकाबले में कितना मुकाबला? 60-40 का समझता हूँ। तो आप अपर हैंड दे रहे हैं, एज दे रहे हैं, ग्रीन लाइट दे रहे हैं जगवीर मलिक को जी, हाँ चुनाव जीत सकते हैं जी, भले ही आज वहाँ प्रधानमंत्री है, देखिए उसका कितना असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री थानेसर भी गए थे, लोग कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ा उनका, खैर आगे चर्चा करेंगे जी। ये सोनीपत लोकसभा की 6 सीटें जो सोनीपत जिले की हैं जी, अब अगली 3 सीटें जो जींद जिले में हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं आपसे जी। जींद विधानसभा सीट जी, डॉक्टर मिड्डा जी चुनाव जीते वहाँ पर, डॉक्टर मिड्डा के नाम से मशहूर है वो। हाँ, वो उनके एक्चुअली डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जो थे इनके पिताजी थे। हाँ, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के पिताजी। अगर बात आप डॉक्टर साहब की करें तो डॉक्टर हरिचंद बड़े डॉक्टर साहब की, उनको कहते भी ये बड़े डॉक्टर साहब, ये छोटे डॉक्टर साहब, वो तो अब कहने लगे, लेकिन डॉक्टर साहब के और मिड्डा साहब के कहते हैं तो उन्हें जहन में जो नाम आता है तो वो हरिचंद मिड्डा का था जी। 2009 में जी पहला चुनाव वही लगता जीते थे वो जी, 2014 में चुनाव जीते थे वो इनेलो से थे, इनेलो से जी, उसके बाद उनकी उस टर्म पूरा नहीं हुआ, उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। 2017 के आसपास उपचुनाव हुआ वहाँ पर जी, और उस उपचुनाव में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा चुनाव जीत के आ गए विधायक बन के, वो इनेलो छोड़ के वो भाजपा में चले गए। हाँ, और भाजपा ने टिकट दिया, भाजपा ने टिकट दिया और वो चुनाव चुनाव जीत गए। दिग्विजय चौटाला को हराया और रणदीप सुरजेवाला दोनों को हराया जी। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा वहाँ से विधायक बने, फिर 2019 में विधायक बन गए फिर जी। महावीर गुप्ता वहाँ पर कैंडिडेट है कांग्रेस के जी, मांगेराम गुप्ता जो वित्त मंत्री हुआ करते थे उनके बेटे हैं जी। पिछला चुनाव महावीर गुप्ता लड़े जेजेपी से, सेकंड नंबर पर रहे, अच्छे वोट लिए ठीक ठाक। तीसरा नाम एक और है वहाँ पर, प्रदीप गिल जी, इंडियन नेशनल लोकदल के सक्रिय नेता रहे, जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे यूथ के, वो चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस में चले गए थे जी। कांग्रेस ने टिकट जब नहीं दिया महावीर गुप्ता को दिया, तो इंडिपेंडेंट मैदान में है। हाँ जी। क्या माने जींद को? देखिए, जींद भी एक हरियाणा की राजनीति का एक गढ़ माना जाता है। राजनीति का जितना भी उथल पुथल जब आज हरियाणा में होती रही है अब तक, जींद का बड़ा महत्व है जी। जींद की धरती से होता रहा है, बिल्कुल बदलाव या जैसा भी। आज चौधरी देवीलाल की जयंती भी जींद जिले के उचाना में हुई, बिल्कुल पांडु पिंडारा जींद में है, जो जिसका पांडव कालीन पुरातन इतिहास है, इतिहास है।
पर जींद भी जयंत नगरी है, जयंत नगरी है जी। उधर सफेदों है, वो सर्प दमन हुआ था जिसकी वजह से सफेदों का नाम पड़ा जी। तो जैसा हमने कहा कि जींद की धरती पे काफी उथल पुथल रही है, राजनीति के परिवर्तन हुए हैं, उसको रैली की धरती भी कहते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर मांगेराम गुप्ता जी एक बड़ा नाम था। बिल्कुल जी। 1977 में पहली बार वो मंत्री, वो विधायक रहे, इंडिपेंडेंट चुने गए थे, बाद में कई सरकारों में मंत्री रहे जी। एक दबंग दबंग नेता थे, दबंग नेता थे, उनके बारे में यह था, वो स्पष्ट भी थे, जो अपनी बात रखते थे वो खुलकर करते थे। एक बार तो 1977 में जब पार्लियामेंट की टिकट बंटने जा रही थी, हिसार लोकसभा की जो टिकट थी वो मनीराम बागड़ी को लोकदल से थे, क्योंकि पांच दल मिलके जनता पार्टी बनी थी जी। और तो उस वक्त मोरारजी देसाई कांग्रेस हाउस से थे, तो जब वो टिकट की बात आ रही थी हिसार पार्लियामेंट सीट की, तो कांग्रेस हाउस की तरफ से चौधरी इंदर सिंह श्योकम जी वो उम्मीदवार थे और वो टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिल रहा था मनीराम बागड़ी को जी, जो लोकदल से थे। मनीराम गुजारा हुए भाई जो मनीराम बागड़ी जो बाद में मथुरा से चुनाव लड़ा और जी। तो वो मोरारजी देसाई के पास जब गए ये लोग, पंडित भगवत दयाल, चौधरी इंदर सिंह श्योकंद और ये मनीराम, नहीं सॉरी, ये मांगेराम गुप्ता जी जी, तो वहाँ जब उनसे कहा कि आप मदद कीजिएगा और ये कांग्रेस हो के खाते में ये होनी चाहिए और ये टिकट हमारे को दिलाइए, तो मोरारजी देसाई कुछ सुन रहे थे अनमने मन से, और तो उन्होंने एक ऐसा हरियाणवी शब्द कह दिया बड़ा अजीब, मांगेराम गुप्ता ने और बड़ा, उन्होंने कहा कि भाई फिर हम आपको क्या चुंगेंगे। तो सबको ये लगा कि ये क्या कह बैठे, किसी ने बात को पलटा कि फिर हमें आपका आशीर्वाद फिर कब मिलेगा। बात को खैर वो चली आई गई, कहने का चुंगने वाला शब्द पहुंचा था वो तो हरियाणवी, तो हरियाणा का जो वो है ना वोकैबुलरी और जो सीधा जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी किसी अंग्रेजी भाषा में किसी भाषा में तोड़ नहीं है। हाँ। एनी हाउ चलिए, कह दिया हाँ जी। अब उनके बेटे हैं, वो जो उनकी छवि थी, जो उनका कद था, उसका तो महावीर आसपास भी नहीं, फिर भी चलिए टिकट मिला। वहाँ पे और भी कई लोग टिकटार्थी थे जी, बलजीत सिंह रेड्डू थे, प्रदीप गिल थे, राजकुमार गुप्ता थे, हाँ बिल्कुल, काफी सारे लोग थे। कह रहे इनको टिकट मिला, शुरू में लग रहा था कि ये टिकट कमजोर है, अब चूंकि पार्टी की हवा और अब वो चुनाव धीरे धीरे काफी टकराव की तरफ जा, मतलब कृष्ण मिड्डा और महावीर गुप्ता में अब आप कह रहे हैं टकराव हो रहा है। हाँ, बीच में प्रदीप गिल भी अपना एक वो बनाया, जगह बनाए हुए हैं जी, क्योंकि वो देहात का वोट पे निर्भर। प्रदीप गिल जीतने वाली कंडीशन पे तो मुझे लगता अभी नहीं है, लेकिन लोग कुछ ये कहते हैं कि दोनों की लड़ाई में कहीं ये ना फायदा उठाए, जो अभी नहीं है जी, अभी वो नहीं है। अभी तो वो कुछ लोग ये भी कहते हैं ये कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो ये कितनी वोट लेंगे कि उस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर प्रदीप गिल ने अच्छे खासी वोट हासिल कर ली तो निश्चित तौर पर महावीर गुप्ता जो है ना वो लूज कर जाएंगे, कृष्ण मिड्डा जीत जाएंगे, कृष्ण मिड्डा अपनी सीट बरकरार रखेंगे। अगर प्रदीप गिल को कम वोट, बहुत कम पे हो गए, कम पे आ गए, तो फिर मिड्डा जी को नुकसान, मिड्डा जी को नुकसान। आज तो मिड्डा जी ऊपर लग रहे हैं, आज उनका लग रहा है, अपर हैंड कृष्ण मिड्डा का है आज के जींद के अंदर, कृष्ण मिड्डा आगे दिखते हैं जी। अगली विधानसभा की बात करें तो जुलाना जी, विनेश फोगाट जी बहुत चर्चा में है जी, सुरेंद्र लाठर वहां पर कैंडिडेट है इंडियन नेशनल लोकदल से जी, IRS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त है जी, और बीजेपी से है कैप्टन योगेश बैरागी जी, योगेश बैरागी का पलवल से कनेक्शन है जी। जाट दो नेताओं के बीच में बीजेपी ने OBC चेहरे को बीच में ला दिया, बिल्कुल, क्या लगता है चुनाव वहां का? विनेश फोगाट जो सिंपैथी लेके चल रही थी, अब तो राजनीति बनती जा रही है उस पे जी। ये ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो खिलाड़ी थी, उसको अपना क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए था, राजनीति में नहीं आना चाहिए था,
पर चूंकि वो आगे आते रहे हैं, बहुत लोग पहले भी आते रहे हैं, चलिए वो आ गई हैं, खिलाड़ी थे हमारे दारा सिंह थे, वो इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, कोई कहीं चला जाता है। हाँ, बिल्कुल, कोई कहीं चला, समय परिवर्तनशील बदलता रहता है, होता रहता है, और कोई खिलाड़ी से राजनीति में आ जाता है, कोई राजनीति से खिलाड़ी में चला जाता है, ये तो चलता रहता है। एनी हाउ, चूंकि अब वो आ चुकी है, उनकी बड़ी चर्चा है और लोगों में एक सिंपैथी है जी, तो उस लिहाज से उनका चुनाव जो है ना वो जात वोट बटेंगे अगर नहीं, नहीं इतना नहीं होगा, क्योंकि फैसला अल्टीमेटली सिंपैथी और कई फैक्टर जो है ना वो विनेश फोगाट की तरफ लेके जाएगा। तो मतलब हम ये करिए कहें, आप ही कहेंगे कि जुलाना में यहाँ जेजेपी कैंडिडेट एमएलए थे पहले, हाँ अभी चुनाव लड़ रहे हैं शायद वो जी, तो चर्चा उनकी करें या ना करें, ना ही करो तो बेहतर है, ये तो इन्हीं की चर्चा में रहने देते, जमानत कहीं बच जाए पूरे हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट की, नहीं लगता। तो विनेश फोगाट और सुरेंद्र लाठर के बीच में आपको चुनाव लगता है या कहीं योगेश बैरागी भी? मुझे जो लगता है अल्टीमेटली चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही, यानी कि विनेश फोगाट और जी कैप्टन बैरागी में जी, अपर एंड किसको दें? विनेश फोगाट को, चुनाव जीत सकती हैं? जीत रही हैं आज के दिन, जीत रही हैं जी, तो ग्रीन सिग्नल आपने सीधा दे दिया, बिल्कुल जीत रही हैं। देखिए अब जो वहाँ की चर्चा, मेरा जिला भी है, आपका जिला है जींद जी, और जैसा लोगों से मिलते हैं और जो बात हो रही है, लोगों से जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है। चलिए तो अंतिम विधानसभा सीट, यही कहते हैं अभी उस लड़की को साथ अन्याय हुआ था, हाँ ये बात तो चलती है। एक हमारे यहाँ एक बड़ा हिंदुस्तान के हमारे हिंदू धर्म की जो एक कल्चर है ना, बहुत बार हम कमजोर आदमी को, वीकर सेक्शन को, या जिसके साथ कोई जाति हुई हो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, अंदर भी जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और अच्छी बात है, अच्छी बात, जिसके साथ कहीं बेचारा बन जाए, कहीं भाई बेचारा हो गया या, तो उसके साथ तो ऑटोमेटिक है, ये हमारी संस्कृति की अच्छी देन है, अच्छी बात है, अच्छा वो अच्छी बात है, शिक्षा है, कहीं कोई कमजोरी अगर हो तो उसके साथ खड़े हो, उसके साथ खड़े होते हैं। अंतिम विधानसभा सीट सफीदो, सुभाष गैंगोली जी यहाँ से एमएलए, निवर्तमान एमएलए हैं जी, पंडित राम कुमार गौतम को भेज दिया है, सब तो दादा कहते हैं, मैं तो दादा कहूंगा नहीं उनको, दादा का मतलब तो आप दादा कहते हैं, मैं उनको मामा कहता हूँ। आपके मामा कैसे हो गए? मेरे मामा है वो, गांव नारनौंद से है वो। अरे आपके मामा है, हाँ चलिए आपके मामा, पर मैं दादा उनको नहीं कहूंगा, चलिए दादा का मतलब नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं कहूंगा। दादा का मतलब ये होता है कि जो खाली ये नहीं कि ब्राह्मण तो दादा हो गए, जो उनके मैं पिछले दिनों बयान पढ़ रहा हूँ, चाहे वो जेजेपी से एमएलए थे, आप जिस पार्टी से एमएलए बने कुछ दिन तो वहां टिक जाओ, शुरू हो गए थे दुष्यंत चौटाला पर, और अब जब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी वो हुड्डा को बढ़िया कहते थे, कभी मनोहर लाल आजकल कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है, फिर जो उनके दो तीन बातें हैं मुझे इतनी चुभती हैं, कहते हैं वो ब्राह्मण का बीज नहीं जो बीजेपी को वोट ना दे, ये तो दादा के बोल बड़े बोल हैं, तो इसलिए मैं तो दादा नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। पंडित राम कुमार गौतम जी बीजेपी से जी, और बचन सिंह आर्य यहाँ के एमएलए रहे हैं, बड़े धुरंधर नेता हैं, वो भी टिकट बीजेपी से मांग रहे थे, नहीं मिली है, तो वो इंडिपेंडेंट। जसवीर सिंह उनसे बड़े, बचन सिंह आ रही है, नहीं जसवीर सिंह भी लड़ रहे हैं वहाँ, जसवीर सिंह भी चुनाव मैदान में है, विधायक भी रहे हैं इंडिपेंडेंट जी, वो कांग्रेस से मांग रहे थे, वो भी पहले कांग्रेस से मांग रहे थे, अब बीजेपी से, अब बीजेपी से मांग रहे थे, यानी कि बीजेपी के तीन हो गए जी, राम कुमार गौतम और दो बागी जी, बचन सिंह आ रहे और जसवीर सिंह, माँ क्या मांग के चले चुनाव को? जहाँ तक पंडित जी का सवाल है, वो तो रेस में नहीं है, रेस में नहीं है ना, सबसे पहले तो उनका सफीदों से पहले भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो कितने 1700-1800 या कितने समथिंग उनको वोट मिले, कौन सी पार्टी से लड़े थे? शायद इंडिपेंडेंट लड़े थे, अच्छा, और इस तरह से उनका नारनौंद में चूंकि कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलना तय था, उनको मिला तो इनको यहाँ भेज दिया, और इनको यहाँ किस नाते से भेजा ये समझ से बाहर है, उचाने का भी चर्चा था, हाँ, बड़ी चर्चा थी, तो उनको तो रेस से बाहर मानिए फाइट। अब आ जाइए सुभाष गांगुली, जसवीर देसवाल और बचन सिंह आर्य, बचन सिंह आर्य, पिछला चुनाव में जसवीर देसवाल ने सुभाष गांगुली को टक्कर दी थी जी, तो अब ये त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें मैं समझता हूँ अल्टीमेटली सुभाष गांगुली और जसवीर देसवाल में फाइट रहेगी, फाइट हो जाएगी, टाइट वाली फाइट आज के दिन है, लेकिन अपर हैंड है जो वो कांग्रेस पार्टी का है, सुभाष गांगुली का है, लगता है कि वो सीट निकाल रहे हैं, मतलब कांटे का मुकाबला है,
लेकिन सीट येलो सिग्नल हम देते हैं सुभाष गंगोली को फिर भी कि भाई वो मेरे ख्याल तो वो सीट निकल रही है, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल है। तो ये 9 विधानसभा सीटों की चर्चा हुई। सोनीपत में एक बात है इसमें, जसवीर देसवाल ने चुनाव लड़ा था पीछे का 2014 जी, और उस वक्त टिकट यहाँ पे बीजेपी ने, वो उस वक्त कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे, हाँ, उनको टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, टिकट मिली बीजेपी की तरफ से सुषमा जी ने अपनी बहन को दिला, उनकी बहन को मिला, वंदना शर्मा, वंदना को जी, वंदना शर्मा नरवाना मैरिड थी, वहाँ रहती थी, लेकिन उनको उतारा गया सफेदों से, लेकिन उनको जसवीर देसवाल ने उनको हराया। जसवीर देसवाल इंडिपेंडेंट थे ना शायद? हाँ इंडिपेंडेंट थे। लोगों में चर्चा ये है कि जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी जसवीर के ऊपर बड़ा दबाव पड़ा कि आप या चुनाव से पहले कि आप क्विट कर जाओ हमारी फेवर में बीजेपी के लिए, हाँ उनको ये भी चर्चा है आम आदमी में कि भी उनको पैसे की भी ऑफर दी कि भी आपका जो चुनाव का खर्चा हुआ वो आप हमसे वसूल करिएगा। तो जसवीर ने कहा कि ये जो मैदान है मैं इसमें पैसे बखेर देता हूँ, आप उठा लीजिएगा, आप मुझे क्यों कह रहे हैं ये बात, मतलब मजबूत नेता है, हाँ उनका प्रभाव है और सहनशील है और बड़े संघर्षशील है और इलाके में अच्छा रसूख। तो आप मान रहे हो कि सुभाष गंगोली और जसवीर में फाइट और सुभाष गंगोली को अपर हैंड जी। तो ये 9 विधानसभा सीटें 6 सोनीपत जिले की और 3 जींद जिले की, जो सुरजेवाला जी ने और हमने जो निष्कर्ष निकाला उसमें है कि सोनीपत में सुरेंद्र पवार जिनको आज खुशखबरी मिली जेल से बाहर आने की, उनको एज है मुकाबला कड़ा है निखिल मदान और सुरेंद्र पवार में, लेकिन सुरेंद्र पवार आप अपर हैंड बता रहे हैं जी। सुरेंद्र पवार के लिए ग्रीन सिग्नल, गन्नौर के अंदर देवेंद्र कादियान इंडिपेंडेंट जी उनके लिए ग्रीन सिग्नल, जींद में बीजेपी के डॉक्टर कृष्ण मिड्डा आगे चल रहे हैं उनको ग्रीन सिग्नल, जुलाना में विनेश फोगाट को ग्रीन सिग्नल, सफीदों में सुभाष गंगोली कांग्रेस कैंडिडेट उनको ग्रीन सिग्नल, राई में जय भगवान अंतिल कांग्रेस कैंडिडेट वो जीतते दिख रहे हैं, खरखौदा में जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस कैंडिडेट वो जीतते हुए दिख रहे हैं, बड़ौदा में इंद्रराज नरवाल भालू कांग्रेस कैंडिडेट जी वो चुनाव जीतते दिख रहे हैं, और गोहाना में जगबीर मलिक कांग्रेस कैंडिडेट वो चुनाव जीतते दिख रहे हैं। यानी कि इस सब के अंदर अगर हम कहें तो 7 सीटों पर कांग्रेस जी, 1 पर भाजपा और 1 पर इंडिपेंडेंट जी, यही फिलहाल तो यही है। बाकी आज प्रधानमंत्री का दौरे का क्या प्रभाव उनका क्या असर होगा एक बार फिर चर्चा करेंगे जी अगले दिनों में, जब हरियाणा की 90 सीटों पर बैठेंगे, चुनाव के मध्य में है। अभी बहुत से समीकरण बदलेंगे चलेंगे और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी समर्थन दे रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ हाँ कुंडरी में आज उन्होंने गोलन ने समर्थन दे दिया कांग्रेस को दिया, तो उससे समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं, तो आने वाले समय क्या होगा ये आज की स्थिति लग रही है। तो आज के हालात में सोनीपत लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में 7 सीट कांग्रेस, 1 इंडिपेंडेंट और 1 भारतीय जनता पार्टी। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।